Hi guys, once again welcome back to Beauty and Creativity. I am Pooja. I am back with one more video. और आज की वीडियो है एक फेयरनेस क्रीम के बारे में, which is very good, which I personally like और जो मैं recently use कर रही हूँ last few days से, and I can actually feel the difference in my skin. मैं बात कर रही हूँ वाओ फेयरनेस क्रीम की. इस क्रीम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, क्रीम कैसी है, इसका कंप्लीट रिव्यू जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. बट बिफोर वी स्टार्ट, इसका सारा क्लोजअप मैं आपको दिखा देती हूँ. इस पर जो जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो सारे मैं आपको दिखाती हूँ. जब भी डे टाइम में कोई भी क्रीम यूज़ करने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है सन से प्रोटेक्शन की, कि क्या ये क्रीम जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हमें सन से प्रोटेक्ट करेगी. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो क्रीम है वाओ की, ये बेसिकली है फेयरनेस क्रीम. पर सबसे अच्छी बात ये है कि फेयरनेस प्रोवाइड करने के साथ साथ ये प्रोवाइड करती है हमें सन से प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें है SPF 20 PA++. दूसरी सबसे अच्छी चीज़ इस क्रीम की ये है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की पैराबेंस नहीं है, कोई भी मिनरल ऑयल ऐड नहीं किया गया है जो हमारे स्किन को नुकसान पहुँचाता है. इसमें हमें मिलता है 989 रुपीज़ में 50 ml प्रोडक्ट, जो कि कई मंथ्स तक हमें काफ़ी होता है. अगर हम दो बार भी दिन में अप्लाई करते हैं तो ये कई मंथ्स तक आराम से चल जाती है. अब बात आती है इसकी लाइफ की. इसकी लाइफ है 2 ईयर्स. 2 ईयर्स तक तो कोई भी क्रीम लास्ट नहीं करती है, तो 2 ईयर्स इज़ मोर देन सफिशेंट. इस प्रोडक्ट में है सैफ्रन, मलबरी और लिकोरिश एक्सट्रैक्ट्स, जिसकी वजह से ये हमें फेयरनेस प्रोवाइड करती है, हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है और हमारी जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको इवन बनाने में हेल्प करती है. और ये सबसे इम्पॉर्टेंटली जो वर्क करती है वो है ये हमारे स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है. मेलानिन जो होता है उसकी वजह से हमें, जैसे आपने किसी किसी के फेस पे देखा होगा, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, जैसे ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस, जो कि होते हैं मेलानिन के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से. तो अगर ये मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करेगी, उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करेगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारे स्किन पे किसी भी तरह के ब्लेमिशेस नहीं होंगे और ना ही पिगमेंटेशन होगा. इसके अलावा अगर इस क्रीम का रेगुलर यूज़ किया जाए तो ये जो एजिंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं उसको भी ये रिड्यूस करता है. गाइज, इसमें कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करने से मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी बहुत ज़्यादा नेचुरली डार्क स्किन है तो हम एकदम से फेयर हो जाएंगे, ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है. पर ये जो हमारी पॉल्यूशन की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से हमारी अनइवन स्किन टोन हो जाती है या टैनिंग की वजह से डार्क पड़ जाती है, तो हमारी जो ओरिजिनल टेक्स्चर होता है, स्किन का कलर होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, उसको ये डेफिनेटली इम्प्रूव करती है. उसमें अच्छे से जो अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे. इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे काफ़ी रॉयल लगी. बहुत अच्छी बॉटल है, स्टर्डी है और बहुत अच्छी है. इसकी कैप भी अच्छी है. अगर इसको प्रोडक्ट को निकालने के बाद, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक डिस्पेंसर दिया हुआ है जिसको प्रेस करके हमें प्रोडक्ट को निकालना होता है. बहुत आराम से प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट ज़्यादा निकल जाएगा, उसमें को हम वापस से इसमें नहीं डाल सकते हैं. तो इस तरह से उसको प्रेस करके इस तरह से प्रोडक्ट को निकालना है, फिर उसको डॉट डॉट थोड़ा सा लेकर अपनी पूरी स्किन पे अप्लाई कर लीजिए डॉट डॉट करके, और सर्कुलर मोशन में 1 मिनट तक अपने फेस की मसाज कीजिए. इससे क्या होगा, स्किन जो क्रीम होगी वो हमारी स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी. और इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको इसको 2 बार यूज़ करना है, एक मॉर्निंग में, एक सोने से पहले. अगर ये आपको कहीं ऑफलाइन नहीं मिलती है तो इसका मैं परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. हो सकता है आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाए, तो आप वो ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे डिसाइड करने में कि आपको ये क्रीम परचेज करनी चाहिए या नहीं. अगर आप इसके बारे में सोच रहे थे, मैं तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी, ये क्रीम अच्छी है. मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और मुझे अच्छी लगी है. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए मेरी फैमिली का पार्ट. और साथ ही साथ आप हिट कर दीजिए बेल आइकॉन को जो उसके एकदम साइड में है, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे. ओके गाइज, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.